नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आइए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। ये मेरा बालकनी गार्डन है, हालत काफ़ी ख़राब हो गई है पौधों की गर्मी में, तो सोचा है थोड़े इंडोर प्लांट्स ही ठीक कर लिए जाएं। ये मेरा पीस लिली का प्लांट है, इसकी पत्तियाँ गर्मी की वजह से पूरी ख़राब होती जा रही है। मैं इसको धूप में भी ज़्यादा नहीं रखती हूँ, फिर भी ऐसा हो रहा है, तो मैं इसको फाइनली पॉट में लगा दिया है कि भाई ख़राब तो हो ही रहा है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट घर में रह के तो ख़राब हो यही सोच के उसको मैंने पॉट में लगा दिया है। और अब मैं इसको सोच रही हूँ रख देती हूँ थोड़ा सा बाहर की तरफ। मैं शाम के टाइम मेरे जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको रख देती हूँ बालकनी में, ताकि उन्हें थोड़ी हवा मिले और थोड़ी बहुत बाहर की भी फील आए। और अंदर रहने से मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, बाहर रहने से क्या पता थोड़ी ढंग से सूख जाए। और आज मैंने पानी में मिलाया है थोड़ा सा, मैंने गोबर के उपले हैं वो भिगो के रख दिए थे, तो वो वाला पानी मैंने थोड़ा सा डाइल्यूट करके मिला दिया, क्योंकि इंडोर प्लांट्स को इतनी खाद मिल नहीं रही है, तो मैंने सोचा यही दे देते हैं, तो रिज़ल्ट अच्छा आता है मैंने सुना है, ट्राई कर लेते हैं। ये कर लिया है, इसको अच्छे से मैं पूरा फिल कर दूँगी। और एक और पौधा है, इसको मैंने सोचा इसको भी घर दे ही देते हैं, बेचारा कब तक बाहर रहेगा मेरे बहुत सारे पौधे पॉलीबैग्स में ही जीते हैं और उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है जितनी देर पॉलीबैग्स में रह के वो लोग चल जाएंगे उतनी देर तो एटलीस्ट चल रहे हैं। जैसे मैं गमले में लगाती हूँ काफ़ी शौक हो जाता है, और अभी गर्मी भी है तो आप मानोगे नहीं, ये मैं रात के 10 बजे ये काम कर रही हूँ और ये सब पौधे रिपोर्ट करने का रात में कर रही हूँ, ताकि इनको सुबह थोड़ा ठीक रहे, रात भर में सेट हो जाते हैं। गर्मी बहुत है ना, रात में थोड़ा सा कम रहती है गर्मी। तो ये देखो, ये क्रोटोन का पौधा, ये मुझे ऑफ़र में 1 रुपये का मिला था, तो इस तो मेरे लिए ज़्यादा ही वैल्यूएबल है, क्योंकि ये इतना सस्ता है, इसलिए मैं इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रख रही हूँ। और मिट्टी का इसको लगाते लगाते कम हो गए, तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही कर दूँगी, फिर मिट्टी मैं बाद में ऐड कर दूँगी, और इसको मैं करके वही अंदर ही रखूँगी। और शाम को मैं बालकनी का दरवाज़ा खोलती भी ना, ज़्यादा थोड़े कीड़े वीड़े भी आ जाने का डर रहता है, तो ये जो भी कुछ हैं सब अंदर मैंने रख लिए हैं। अब इसको मैं रिपोर्ट करके थोड़ा इसमें पानी वानी दूँगी, और मेरा किचन बन गया है मेरा प्लांटिंग स्टेशन। तो ये देखो, मैंने वही सेम पानी डाला है जिसमें मैंने थोड़ी सी गोबर के उपले का पानी था, गोबर की खाद मिलाई हुई है। और ये हमारा स्पाइडर प्लांट है, इसके पप्स को मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। बीच में आप लोग को पता ही है हमारे आंधी आई थी, उसके बाद से हमारे जो पौधे हैं वो काफ़ी हालत उनकी ख़राब हुई थी, और ये स्पाइडर प्लांट तो काफ़ी इसको झेला था इसने, तो इसमें से मैं पप्स कट कर रही हूँ, देखती हूँ जो कि उग जाए तो उग जाए, और फिर थोड़ा प्लांट पे लोड कम होगा तो प्लांट अपनी खुद की भी ग्रोथ करेगा। ऐसा मैंने पहले भी मैंने ट्राई करा है। तो ये मैं एक स्पाइडर प्लांट का बेबी ले रही हूँ, इस होप के साथ कि ये जल्दी से उग जाए भाई, जल्दी से जड़े लगा लेना अपने तुम। और ये देखो, ये ऐसे मैं एक प्लास्टिक शीट ले रही हूँ और उसको कट कर रही हूँ, फिर इसकी वजह से ये नीचे नहीं जाएगा, तो नहीं नॉर्मली नहीं तो इसकी पत्तियाँ गल जाती हैं, वो नहीं होगी, एंड इसको मॉइस्चर भी मिलता रहेगा। तो ये ऐसा है, और ये देखो ये प्लांट की हालत है, तो जो भी इसकी पीली पीली पत्तियाँ हैं वो सब मैं हटा रही हूँ। ये पूरा ऑलमोस्ट हवा तेज़ ज़ोर से आंधी की वजह से ये पौधा पूरा हिल गया था, पूरी हद तक ख़राब हो गया था ये, इसको मैंने बहुत मुश्किल से जितना भी बचाया है तो कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सारी राय ज़रूर देंगे, मैंने ये नहीं करा वो नहीं करा, बट ट्रस्ट मी, कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ, और फिर भी नहीं हो रहा है तो हम कुछ कह नहीं सकती हूँ मैं। तो ये देखो, ये मैंने पप्स इसके काट लिए, और ये एक मैंने ऐसे बॉटल पे रख दिया है। सेम ये मेरे पास एक ब्रोकन हार्ट का पौधा है, मतलब मैंने उसकी कटिंग लगाई है इसके ऊपर, तो ये नीचे से थोड़ा सा मुशी मुशी हो रहा है, तो मैंने इसको
पानी चेंज कर दिया उसका, और नीचे से जो पार्ट है जो थोड़ा गल रहा था उसको कट कर दिया है ताकि वो और अच्छे से ग्रो हो, और लग तो रहा है कि ये ग्रो हो जाएगा, बट थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। और अभी गर्मी भी है, एंड ये एक बॉटल में मैंने लगाई थी स्वीट पोटैटो वाइन, देखो इसमें जड़ें तो अच्छी आ रही हैं बट नीचे नीचे के पत्ते सूख रहे हैं, तो उसी के लिए मैं इसको धो रही हूँ। अच्छे से धो के फिर वापस से लगाऊंगी। मैं जो नॉर्मली मेरे जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं ना उनको थोड़े थोड़े दिन में पूरा अच्छे से धोती हूँ। और ये देखो मेरा मधुकामनी का पौधा है, ये पता नहीं क्यों डल हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश तो कर रही हूँ क्योंकि मैं हूँ द स्ट्रगलिंग गार्डनर। और ये देखो ये सब, इनको धूप में रख रही हूँ तो धूप में नहीं चल रहे हैं, छाँव में रख रही हूँ तो दुखी हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम करते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो ये मैंने इसको जहाँ मैंने पहले रखा था वहाँ पे हो रही थी काफ़ी गर्मी, तो मैंने फिर इसको इधर शिफ्ट कर लिया दूसरी जगह पे। और ये मेरे सक्यूलेंट्स हैं जो कि बहुत बुरी हालत में है, पता नहीं कोई सा बचेगा कि नहीं बचेगा, बट मैंने अंदर ले लिया है। और ये अम्ब्रेला पाम है, ये भी देखो इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, तो कोई बात नहीं, इसमें से मैं सोच रही हूँ कुछ इसमें से भी कट कर लूँ। और ये देखो जो क्रोटॉन है और जो झुमका हिबिस्कस है, लैंटर्न हिबिस्कस, वो भी काफ़ी ख़राब हालत है, और मैंने पहले भी कोशिश करी थी उगाने की पर वो नहीं उगा, तो अब मैं वापस से कोशिश करूँ। देखो दो लीव लगा रही हूँ तो क्या पता एक में तो उग ही जाए, बाकी देखते हैं क्या होता है। और इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।